हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे नए वीडियो में। आज हमारा टॉपिक है सीक्वेंस एंड सीरीज। आज हम लोग जिस टॉपिक के बारे में पढ़ने वाले हैं उसका नाम है सीक्वेंस एंड सीरीज। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे सीक्वेंस एंड सीरीज। सबसे पहले जानते हैं सीक्वेंस के बारे में। सीक्वेंस क्या होता है? इट इज़ ए कलेक्शन ऑफ नंबर्स दैट फॉलो ए पर्टिकुलर पैटर्न। ये नंबरों का कलेक्शन होता है जो कि एक पर्टिकुलर पैटर्न फॉलो करता है, उसे हम लोग सीक्वेंस कहते हैं। अब सीक्वेंस हमने जान लिया तो टाइप्स ऑफ सीक्वेंस भी जान लेते हैं। तो सीक्वेंस दो तरह के होते हैं, फाइनाइट और इनफाइनाइट। फाइनाइट सीक्वेंस उसे कहते हैं जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स काउंटेबल हो, उसे सीक्वेंस कहते हैं। और इनफाइनाइट सीक्वेंस किसे कहते हैं? जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स अनकाउंटेबल हो, उसे हम लोग इनफाइनाइट सीक्वेंस कहते हैं। चलिए दोस्तों, अब हमने जाना सीक्वेंस के बारे में, आगे आते हैं हम लोग सीरीज के बारे में। सीरीज किसे कहते हैं? तो when we operate each term of sequence either with addition or subtraction then it is called series। जब हम लोग किसी भी सीक्वेंस में ऑपरेशन लगाते हैं, either it is addition or subtraction, plus or minus, जोड़ना या घटाना, तो वो उसे हम लोग सीरीज कहते हैं। तो सीरीज हमने यहां समझा कि अगर हमने सीक्वेंस में कोई ऑपरेशन लगा रहे हैं हम लोग, तो उसे हम लोग सीरीज कहते हैं। नेक्स्ट है प्रोग्रेशन। प्रोग्रेशन हम लोग किस किस प्रोग्रेशन के बारे में पढ़ेंगे? तो वो है, पहला है एपी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जीपी जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन, एचपी हार्मोनिक प्रोग्रेशन, सम स्पेशल सीरीज, एजीपी अरिथमेटिको ज्योमेट्रिको प्रोग्रेशन। तो इन पांच प्रोग्रेशन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे आगे। और सबसे पहले देखेंगे हम लोग एपी क्या होता है, फिर देखेंगे जीपी, एचपी, सम स्पेशल एंड फाइनली एजीपी। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं एपी से। पहला टॉपिक है हमारा एपी। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है पहले ये जानेंगे। तो ये होता है, इट इज द सीक्वेंस ऑफ नंबर्स सच दैट द डिफरेंस ऑफ एनी टू कंसेक्यूटिव सक्सेसिव मेंबर्स ऑफ द सीक्वेंस इज ए कांस्टेंट। इसका मतलब कि ये एक ऐसा सीक्वेंस है जिस सीक्वेंस में दो कंसेक्यूटिव नंबर के बीच में दो सक्सेसिव मेंबर्स जो होते हैं सीक्वेंस के, उनका डिफरेंस जो होता है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। जैसे इफ मैं यहाँ लिखता हूँ, इफ a1, a2, a3, a4, an-1, an are in AP, then a2-a1 = 3-a2 = a4-a3 = an-an-1 = constant। तो सबके जो सक्सेसिव मेंबर्स के बीच में जो डिफरेंस होंगे वो हमेशा कांस्टेंट होंगे, तो a2-a1, a3-a2, a4-a3... an-an-1 जो होता होगा वो कांस्टेंट होगा। अब जो है वो कांस्टेंट होगा ये तो हमने जाना। इस कांस्टेंट का नाम होता है
कॉमन डिफरेंस। एपी में इस कांस्टेंट का नाम होता है कॉमन डिफरेंस, जिसे हम लोग डी से डिनोट करते हैं, और ये होगा डी इक्वल टू ए टू माइनस ए वन इक्वल टू ए थ्री माइनस ए टू इक्वल टू ए फोर माइनस ए थ्री इक्वल टू डॉट 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 ए एन माइनस वन। अब आते हैं हम लोग, अब हम लोग आते हैं जनरल टर्म में। तो एपी का जनरल टर्म क्या होता है ये हम लोग देखेंगे। तो चलिए दोस्तों देखते हैं जनरल टर्म। तो सबसे पहले हम लोग एक एपी कंसीडर करेंगे, ए वन कॉमा ए टू कॉमा ए थ्री कॉमा डॉट 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 ए एन माइनस वन और ए एन आर इन एपी। तो ये एपी में है, एपी में है तो डी जो होगा इन इसके बराबर होगा, डी जो कॉमन डिफरेंस होगा। तो ए टू माइनस ए वन इक्वल टू डी हम लोग लिख सकते हैं, इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं क्या, ए टू इक्वल टू ए वन प्लस डी ऐसा लिख सकते हैं हम लोग। अब ए थ्री माइनस ए टू इक्वल टू डी होगा, इसको भी हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, ए थ्री इक्वल टू ए टू प्लस डी। ए टू का वैल्यू यहाँ क्या है, ए वन प्लस डी, तो ए थ्री इक्वल टू ए वन प्लस डी ए थ्री इक्वल टू ए वन प्लस टू डी। नेक्स्ट, अब ए फोर माइनस ए थ्री इक्वल टू डी, तो ए फोर इक्वल टू ए थ्री प्लस डी। और हम लोगों ने देखा था इक्वेशन टू, ए थ्री इक्वल टू ए वन प्लस टू डी होता है, तो यहाँ हम लोग लिखेंगे ए वन प्लस टू डी प्लस डी एंड दैट इज ए वन प्लस 3D। अब हम लोग देख रहे हैं इसको, इक्वेशन नंबर थ्री। इक्वेशन नंबर वन क्या था, ए टू प्लस ए वन प्लस टी। इक्वेशन नंबर टू क्या था, ए थ्री इक्वल टू ए टू ए वन प्लस टू डी। हम यहाँ से कुछ ऑब्जर्व कर पा रहे हैं, क्या कर पा रहे हैं, यहाँ अगर फोर हो रहा है तो यहाँ थ्री हो रहा है, यहाँ टू हो रहा है तो यहाँ वन हो रहा है, यहाँ थ्री हो रहा है तो यहाँ टू हो रहा है। तो मतलब जितना भी नंबर यहाँ हो रहा है उससे एक कम डी का कोफिशियंट बन रहा है, उससे एक कम डी का कोफिशियंट बन रहा है। और ए वन तो कांस्टेंट, ए वन तो चेंज नहीं हो रहा है, ए वन ही रह रहा है। तो हम लोग ए एन को लिख सकते हैं क्या, ए एन इक्वल टू ए वन प्लस एन माइनस वन इन टू डी, ऑफ कोर्स लिख सकते हैं। और यहाँ एन है तो यहाँ एन माइनस वन हो गया। और अब हम लोग लिखेंगे इसका जनरल, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। यहाँ ए क्या है, ए वन ही है। फर्स्ट टर्म ऑफ द एपी को हम लोग ए लिखते हैं, हम लोग ए से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ हो जाएगा ए इक्वल टू फर्स्ट टर्म, एन इक्वल टू नंबर ऑफ टर्म्स, डी इक्वल टू कॉमन डिफरेंस, और ए एन इक्वल टू एनथ टर्म ऑफ दी एपी। तो ये हो गया हमारा जनरल टर्म और जनरल इक्वेशन ऑफ दी एपी। यहाँ पे एक चीज गौर करने वाला है, जो एन होगा वो ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो होगा, और एन जो होगा बिलोंग्स टू इंटीजर होगा।
क्योंकि हम यहाँ टर्म लिख रहे हैं एन को, तो कभी भी 3.5 वां नंबर ऐसा नहीं हो सकता, या 4.25 वां नंबर ऐसा नहीं होता। या तो चौथा नंबर होगा, या 5वां नंबर होगा, या तीसरा होगा, या 10वां या होगा, या 100वां होगा। 1.5 वाला यहाँ हिसाब किताब होता नहीं है। ठीक, तो एपी में हम ने देखा जनरल टर्म के बारे में, एपी के बारे में पढ़ा कि एपी में डी हमेशा कांस्टेंट होता है। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में और भी हम लोग जानेंगे एपी के बारे में। तो तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, और ऐसे ही मेरे वीडियो देखते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप सपोर्टिंग। Thank you.